यू4यू पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की प्रमुख हेडलाइंस कुछ इस तरह से हैं। पहली हेडलाइन की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है। आज सुबह से ही त्राल में एनकाउंटर चल रहा था जिसमें ये खबर आ रही है कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया। हालांकि अभी एनकाउंटर जो है कॉल ऑफ नहीं किया गया, जो अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ साथ कुलगाम में आतंकियों द्वारा एक ग्रेनेड पुलिस नाके पर दागा गया जिसमें एक CRPF के जवान की जो है मृत्यु हो गई। दूसरी खबर की बात करें तो होम मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह की मीटिंग आज महबूबा मुफ्ती जी के साथ जो है चली, जिसमें महबूबा मुफ्ती जी ने कश्मीर सिचुएशन के बारे में राजनाथ सिंह जी के साथ बातचीत की। इसके बाद जो है महबूबा मुफ्ती जी ने पत्रकारों से बात करते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा किया और उन्होंने ये कहा कि कश्मीर की प्रॉब्लम के पीछे चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसके साथ साथ तीसरी हेडलाइन की बात करें तो एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया जिसमें राजौरी की LOC के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई जिसमें भारतीय सेना के एक जवान शहीद हो गए हैं। चौथी हेडलाइन की बात करें तो आज GST के ऊपर एक बहुत ही बड़ी बैठक चल रही है भाजपा के हेडक्वार्टर्स में, जिसको हेड इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। इसके अंदर एमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी जम्मू के शिरकत करेंगे और अपनी क्वायरीज GST को लेकर उनके सामने रखेंगे और उसके ऊपर काफ़ी देर डिस्कशन भी चलेगी। इसके साथ साथ आखिरी हेडलाइन की बात करें तो लखनपुर में आज 100 के करीब शिव सैनिकों को गिरफ्तार कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब से ये शिव सैनिक जो हैं जम्मू कश्मीर में आ रहे थे। इनका कहना था कि जिस तरह से कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर अटैक हुआ है, इनको उसका जो है इसका काफ़ी रोष है और ये चाहते हैं कि कश्मीर में जाके एक कड़ा संदेश दें, लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको जम्मू कश्मीर में एंटर होने से मना कर दिया और लखनपुर पे ही अरेस्ट कर दिया। ये थी प्रमुख हेडलाइंस आज की। आप बने रहें यू4यू वॉइस के साथ।